नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ठेकेदार सुजीत उर्फ गोकुल राशि लेकर आंगनबाड़ी भवन को छोड़ा अधूरा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा तथा महिला बाल विकास के द्वारा राशि स्वीकृत कर आंगनबाड़ी भवन बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग परसवाड़ा ग्राम पंचायत लीला मेटा के अंतर्गत दो आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किया गया था। इसमें दोनों आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने के लिए उकवा निवासी सुजीत उर्फ गोकुल क्षत्रिय को आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ठेका दे दिया गया। शासन के द्वारा प्रति एक आंगनबाड़ी 9,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। गोकुल क्षत्रिय के द्वारा ज्यादा राशि ले ली गई और अब आंगनबाड़ी बनाने के लिए पीछे हट रहा है। ग्राम पंचायत लीला मेटा के अंतर्गत आमा टोला की एक आंगनबाड़ी और ककई टोला की एक आंगनबाड़ी का ठेका ग्राम पंचायत लीला मेटा के पूर्व सरपंच के द्वारा दिया गया था। लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं गोकुल क्षत्रिय के द्वारा दोनों आंगनबाड़ी का कार्य शुरू किया गया, किंतु शासन के एस्टीमेट के अनुसार नहीं बनाया जा रहा था। इसीलिए अधिकारियों के द्वारा आमा टोला की आंगनबाड़ी दूसरे ठेकेदार जयेंद्र जैन फंड की निवासी को दे दिया गया। जयेंद्र जैन के द्वारा आमा टोला की आंगनबाड़ी को कंप्लीट कर दिया गया, किंतु सुजीत क्षेत्रीय के द्वारा आज दिनांक तक आंगनबाड़ी ककई टोला की आंगनबाड़ी भवन को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच भयभीत होते नजर आ रहे हैं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि जिस जगह आंगनबाड़ी लगाई जा रही है वह घर मालिक अब उन्हें मकान खाली करने के लिए बार बार कह रहा है, जिससे आंगनबाड़ी अब लगाए तो कहां लगाएं। यह एक परेशानी का सबक सामने दिखाई दे रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सचिव तथा सरपंच के द्वारा सुजीत क्षत्रिय ठेकेदार को बार बार निवेदन करने पर भी वह आंगनबाड़ी का कार्य चालू नहीं कर रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि गोकुल क्षत्रिय के द्वारा ज्यादा राशि लेकर अब शासन को अपने आगे पीछे घुमा रहा है। क्या सुजीत क्षत्रिय बड़ा है या शासन बड़ा है, जबकि शासन से सुजीत क्षत्रिय के द्वारा ठेका लेने का कोई अधिकार नहीं बनता, ना ही उसका कोई पंजीयन है। तो तत्काल शासन को सुजीत क्षत्रिय के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए तथा साथ में यह भी बताया गया कि जहां भी गोकुल क्षत्रिय के द्वारा ठेका लिया गया हो, चाहे वह CC सड़क हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वह शौचालय भवन हो, वहां पर घटिया निर्माण ही किया है और वह क्षतिग्रस्त होने पर ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही ग्राम पंचायत गुदमा के अंतर्गत रेंज ऑफिसर चौक में भी शौचालय निर्माण किया है, जो कि लगभग 2,75,000 की राशि शासन के द्वारा स्वीकृत की गई। वहां पर भी वर्तमान सरपंच अशोक वरकड़े के द्वारा बताया गया कि दीवार क्रैक हो गई है एवं सच्चे गिर चुके हैं, जिसके कारण वर्तमान में उसे बंद रखा गया है, जिससे राहगीरों को एवं ग्रामीणों को शौचालय जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने तथा वर्तमान सरपंच ने मांग किया है कि तत्काल जांच कर गोकुल उर्फ सुजीत क्षेत्रीय के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाए। क्या नाम है आपका? श्रीमती चंपी वलके। क्या करते हो? कार्यकर्ता। कहाँ पर हो? लीला मेटा ग्राम पंचायत ककई टोला में। क्या आपके आंगनवाड़ी लगाने के लिए आंगनवाड़ी भवन बना रहे हैं सर, मगर वही तो किराया मालिक भी कह रहा है कि अब भागो मकान खाली करो, ऐसा बोल रहा है, तो हम लगाए तो कहाँ लगाए। कब से नहीं बन रहे मकान? भवन तो 2 साल हो गया है, बन रहा है तो अभी अधूरे है। किसको दिए थे बनाने के लिए? ये दिए थे गोकुल। गोकुल कहाँ रहता है? रहता है गोकुल क्षत्रिय। हाँ, सुजीत क्षत्रिय। अच्छा, उसको दिए थे, पंचायत ने ठेका दी थी। हाँ, पंचायत ने ठेका दी थी। तो आपने उसको बोला नहीं गोकुल क्षत्रिय को? गोकुल क्षत्रिय को तो 2-3 बार हो गई, मैं कई बार बोलती हूँ, हाँ बार कहता है, उसके बाद में फिर डबल दिखता चले। अच्छा, तो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, मकान मालिक बोलता खाली करो मकान। चलो ठीक। पहले ये बताइए कि आपने जैसा ठेका दिए थे गोकुल को दोनों आंगनबाड़ी के, पूर्व सरपंच ने दिया था, पूर्व पंचायत ने, ठीक है, तो गोकुल ने दोनों आंगनबाड़ी बना दिया कि नहीं बना दिया? नहीं बनाया। अच्छा, जो अभी जो आंगनबाड़ी जो कंप्लीट हुई है बोल रहे हैं, ये आंगनबाड़ी किसने कंप्लीट किया? गौतम ने। क्या गोकुल मतलब जो सुजीत जो है वो क्या कर, वो ठेका लेता है? ठेका मतलब दिया गया था पुराने सरपंच के द्वारा। अच्छा, ये बताइए गोकुल रहता कहाँ पर है? गोकुल का नाम मालूम है? सही क्या नाम है?
उसका आगे का तो पता नहीं, पर अच्छा, गोकुल बोलते हैं, गोकुल बोलते हैं। तो उसने एक आंगनवाड़ी वो दूसरे दूसरे ठेकेदार ने कम्प्लीट किया है। अच्छा, फिर एक आंगनवाड़ी और कहाँ बन रही है? अच्छा, तो वहाँ का क्या स्थिति है? वहाँ पर अभी स्लैब हाइट पे खड़ा है, स्लैब हाइट पे खड़ा है। अभी नीचे चिपी पत्थर वगैरह, टाइल्स वगैरह कुछ नहीं, प्लास्टर? अरे जब क्या बोलते हैं, स्लैब ही नहीं हुआ है, ना दरवाजे ना खिड़की ना कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा है। उसको लगभग कितनी राशि देके हो गई है? उसको लगभग 4 लाख, 4 लाख रुपया। अभी अभी और कुछ दिन पहले राशि दिए हो? हाँ, उसी के सहित, मतलब 4 लाख। 4 लाख कुछ दिन पहले, मतलब कितने कितने दिन पहले दिए हो पैसा? ये लगभग एक आध माह हो गया। एक आध माह कितना दिए हो? उसको 20,000 दिए थे, वो मतलब सेंटरिंग खड़ा कर रहा था वो। अच्छा, क्या बोला कि 20,000 रुपये लिए उसने? मैं ये लेबर पेमेंट अभी मेरे को फिलहाल पे देना है। अच्छा, और काम तो मैं चालू कर दिया हूँ। अच्छा, तो काम चालू है कि बंद है? नहीं, वो 4 दिन काम रखा। हाँ, और हमने ऐसी मार्केट आ गया, उसको दे दिया, चलो भाई लेबर पेमेंट कर रहा है करके। अच्छा, तो उसके बाद तो वो बंद कर दिया है, उसके बाद अभी काम बंद है टोटल। चलो, ये बताइए, आप क्या ग्राम पंचायत गुदमा के अंतर्गत रेंज ऑफिस चौक में एक शौचालय बनाया गया है, वो कौन से वर्ष का था स्वीकृत? वो लगभग पिछली पंचवर्षीय का है। पिछली पंचवर्षीय का है, मतलब 2021 का। 2021 का, ठीक है। कितने लाख का था? 3,44,000। अच्छा, उसमें ये बताइए, बनाते बनाते कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है वहाँ? हाँ, बंदर तो मैंने देखा नहीं हूँ सर, क्या हुआ? नहीं, फिर भी कुछ जानकारी है कि अंदर बनाते बनाते थोड़ा सा मेरे को पता चला है कि अंदर कुछ 4 इंच सज्जे वज्जे भी कुछ टूट गए हैं। देखे नहीं हो? और अभी तक उसे चालू नहीं किया गया है? अभी तक चालू, काम पूर्ण हो चुका है? काम आपने देखे नहीं तो आपको पता ही नहीं हूँ, तो इसकी जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा, चलो ठीक, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।